हेलो विवान, मैं हूँ सालू और मेरे यूट्यूब चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों से बहुत ही खूबसूरत से प्लांट, जो कि हिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और मुंडी हिलाते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जी देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। तो जी ये देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया प्लास्टिक की जो वेस्ट बोतलें होती है, सभी के घर में मिल जाती है अक्सर, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो भी हो आपके पास, वो या वेस्ट बोतल ले सकते हैं प्लास्टिक की। तो हमने इनका रैपर उतार कर इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया, इनको साफ़ कर देना है। और फिर मार्कर की सहायता से या पेंसिल की सहायता से इन पर अपनी भी मर्जी से जैसा भी आपको शेप देना है वैसे ही ड्रॉ कर लेना और इनको कट कर देना है। तो ये देखिए, मैं दो चार बोतलें ली हैं, इन पर अलग अलग तरह का डिज़ाइन किया है मैंने, तो इनमें मैंने निशान भी लगा दिया मार्कर की सहायता से। और अभी मैं चाकू लिया है और मोमबत्ती से चाकू को गर्म करके इसको काट लूँगी, कुछ में से कैंची से भी काट लूँगी, जहाँ पर कैंची चल जाएगी वहाँ कैंची से कट कर लेंगे और जहाँ पर चाकू चलेगा तो वहाँ चाकू से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बोतलों की शेप दे दी है, कट कर लिया है ना अच्छे तरीके से। अभी बारी आती है इनमें पेंट करने की। तो ये देखिए, मैं पेंट ले लिया है वाटर कलर, तो कैमल के वाटर कलर है ये मेरे पास, तो इनको हम पेंट कर लेंगे। ये अच्छे कलर होते हैं, पानी वगैरह से भी ये छूटते नहीं है, तो इनको हम बढ़िया तरीके से पेंट कर लेंगे जो भी आपको कलर करना है। तो ये मैं यहाँ पर टाइगर की शेप दे रही हूँ, तो मैंने इसमें येलो कलर का पेंट किया है। ये यहाँ पर हम ग्रीन कलर कर रहे हैं इस वाली बोतल में। तो सब में अपनी मर्जी के हिसाब से आप कैसे भी शेप दे सकते हो और कैसे भी कलर कर सकते हैं। तो अभी मैंने कलर सुखा लिया है, सूखने के लिए बोतलों को रख दिया था। अभी हम इन पे आईज़ बनाएंगे, आईज़, नोज़, मुंह के, तो इस तरीके से इनको बना लेंगे। आपको जिस तरह के भी मतलब बनाना आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो इस तरीके से आप बना लीजिए। और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इनकी जैसे ऐसे गर्दन हिलती है ना हवा से, मतलब फैन चल रहा है उसकी हवा से भी, या आप इनको गार्डन में रख दीजिए अपने बाहर बालकोनी में, तो नेचुरल हवा आती है उससे भी ये हिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी मैं आपको वैसे ही दिखा रही थी, इसमें मिट्टी लगाकर आप प्लांट भी लगा सकते हैं, इसमें पेचकस गर्म करके मोमबत्ती से या गैस पर जैसे भी आपको करना है। तो नीचे जो इसकी तली है बोतल की, उसमें छेद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें प्लांटर लगाएंगे या कोई कलम लगाएगी जिनकी छोटी जड़ होती है तो वो लग सकते हैं, मिट्टी लगाकर इसमें लगा दीजिए। तो इसमें होल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें प्लांटर लगाएंगे। वैसे तो इसको आप वैसे डेकोरेशन के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लांटर के उसमें भी छोटी छोटी जो कलम लगाते हैं पौधे, आपको कटिंग जो तैयार करना है, बहुत सी कटिंग होती है ऐसे बरसात के मौसम में, हमें लगा लगा कर तैयार कर लेते हैं, तो इन छोटे छोटे प्लांटर में वो लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये प्लांटर हमारे बालकोनी या गार्डन में और भी ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने कलर कर लिया है, इनमें आइस भी बना ली है, और ये देखो ये अब इस तरीके के लग रहे हैं। तो अभी हम इनको सूखने के लिए रख छोड़ देते हैं। ये दो छोटी छोटी बोतलें हैं, इन पर इतने में आइस बना लेती हूँ। इनमें मैंने वाइट कलर कर दिए हैं, दोनों बड़ी वाली बोतलें मैंने तैयार करके रख दी है। तो इनमें मिट्टी डल जाती है ना, तो इनमें थोड़ा वेट हो जाता है, तो ये फिर आराम से रुके रहते हैं। नहीं तो जैसे कि ये बोतल आदि हमारी ऐसे लटक रही है ना, जिसकी हमने मुंडी बनाई है, गर्दन हिलती रहती है, तो वो वजन की वजह से गिर जाती है बोतलें। तो अगर आप इसमें कोई प्लांट वगैरह लगा दीजिए, तो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल प्लांट मिट्टी डालकर लगा देंगे तो वो अच्छे से रुके रहेगी और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत से सुंदर से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, मैंने ग्रीन वाले में भी आइस बना ली है। और डिज़ाइन आप ये नहीं है कि जैसा मैंने बनाया ऐसे ही बनाए, सेम आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगता है वही बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी से बन जाते हैं। घर में वेस्ट जो हमारी बोतलें वगैरह मटीरियल पड़ा होता है, आप किसी से भी ऐसे ड्रॉ करके प्लांटर बनाकर तैयार कर सकते हैं, अपने गार्डन को सजा सकते हैं। ये देखिए, इसके भी आईज और नोज बना दिए हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। छोटी छोटी इस तरह की बोतलें हमारी वेस्ट ही जाती है और ये हमारे काम में अभी आ जाती है। आप इनको प्लांटर या ऐसे होल्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। तो
आपकी मर्जी है, आपको किसे उसमें इस्तेमाल करना है, मतलब किचन के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें चम्मच वगैरह, कैची और फोग, ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने इनको सूखने के लिए छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा बहुत जो ड्रॉ करना है वो कर देंगे बाद में। तो मैं जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें। अभी तो मैं इसमें आर्टिफिशियल प्लांट ही लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। जब इसमें मुझे मिट्टी वगैरह डालकर तैयार करना होगा तो तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे को आप लोगों को दिखाना था। तो मैंने वैसे ही जो आर्टिफिशियल प्लांट मेरे पास रखे हुए थे, और एक पॉट भी टूट गया था, एक प्लांट ऐसे ही रखा होता है उसके भी ये काम आ जाएगा। तो ये देखिए इनमें आईज नोज बनकर कितने अच्छे लग रहे हैं, और इनके मैंने कान भी बनाए हैं, ईयर भी मैंने जो प्लास्टिक की बोतल में से ही थोड़ी बोतल कट करी थी तो उसके मैंने कान भी बना दिए हैं। उन पे भी ड्रॉ कर कर लगा दूंगी इसमें, इसी तरह का पेंट कर दूंगी। तो जी ये देखिए हम कान पर भी जो कलर करके ना ड्रॉ करके रख देंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने बड़े वाली बोतलों पे इस तरीके से किया था। जो और ये मैंने मुंडी अलग कर दी है, इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। और एम सील से जो मैंने ये इसमें डंडी सी छोड़ी है ना प्लास्टिक की, तो एम सील से हम इनको चिपका लेंगे। जो ये हमने ईयर बनाए हैं इनको भी एम सील से चिपका लेंगे, और इसको गर्दन को भी एम सील से चिपका लेंगे। ये थोड़ी सी देर चिपका कर छोड़ना होता है, फिर ये बिल्कुल एकदम से पक्का हो जाता है एम सील से चिपका हुआ। तो फिर ये अच्छे से मतलब हिलते रहेंगे, हल्की सी हवा में भी हिलते रहेंगे। तो ये देखिए अब मैं एम सील को मिक्स कर लिया है दोनों को, और अभी इसमें हम चिपका देंगे। तो इसमें थोड़ा सा वेट रख के ना मैं इसको छोड़ दूंगी चिपका कर, तो ये थोड़ी देर में ही सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पर हैंड चिपका दिया है, ये देखो इस तरीके से। और इनमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट रख कर और एम सील लगा कर इनको चिपका कर छोड़ दिया है। इसमें इनमें मैंने कान भी लगा दिए, ईयर भी जो मैंने तैयार किए थे। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, चिपक कर सूख गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से इनकी खुद ही हवा चल रही है, फैन चला रखा है, तो इनकी मुंडी जो हिलती रहती है, गर्दन देखो कितनी अच्छी लग गाइज, रही ये है। मैंने बनाए हैं प्लांटर। इनको आप एज ए प्लांटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने खाली बोतलों से बनाया, प्लास्टिक के जो खाली बोतलें होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। और ये देखिए इस तरह नाश्ते गाते हुए मैंने प्लांटर तैयार किया है, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इनको डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप अपने गार्डन में भी इनको छोटे छोटे प्लांट जो तैयार करते हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी डालकर इसमें छोटी छोटी पौध या कलम लगा सकते हैं, देखिए बहुत सुंदर लगते हैं ये। वैसी हवा जो नेचुरल हवा चलती है उनमें भी इस तरीके से इनकी गर्दन हिलती रहती है, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे गार्डन को बहुत ही अच्छा सा वो बना देते हैं। और ये देखिए अभी मैं इसमें वैसे ही प्लांट जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं ना वही लगाकर आपको दिखा रही हूँ। एक ये मैंने बनाया है, आप इसमें भी छोटी मोटी पौध लगा सकते हैं, और जैसे कि कलम वगैरह कोई तैयार करनी है तो वो लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक प्लांटर था, इसका नीचे का पॉट टूट गया था, तो अभी मैं फिलहाल आपको ना जैसे वैसे ही जो घर में रखे रहते हैं उन्हीं से दिखाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा वजन चाहिए क्योंकि ये खाली है, और आगे की साइड में इसका वजन हो जाता है, ये झुक जाती है। वैसे प्लांट लगाए तो मिट्टी वगैरह डालकर हो जाता है इसमें। तो ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाया अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको एज ए प्लांटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और जब इनकी गर्दन हिलती रहती है ना हवा के साथ साथ, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो जी देखिए हमारे प्लांटर बनकर हो गए तैयार। तो मैंने इनमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रखे थे मेरे पास, मैंने वो रख कर आपको दिखा रही हूँ। कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इसको छोटे वालों को ये देखिए ये इस तरीके से मैं नेचुरल हवा टेन में भी इस स्टैंड तरह के मुंडी रूप में लगते रहेंगे, बहुत इस्तेमाल सुंदर किया है। लगते हैं देखो देखने में। इसमें मैंने ये देखिए हैंडी हवा कबाड़ से भी हमने दी है, ये कितने तुम अच्छे लोग को से मुंडी भी आइटम आ बनाए रहे हैं, हैं। ये बोल रहे हैं कि आप आ इनको जाइए, डेकोरेशन में भी आपका इस्तेमाल कर स्वागत सकते हैं, है। एज ए और हमारे प्लांटर भी चैनल को इस्तेमाल लाइक, कर शेयर और सकते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और बच्चों को भी बहुत सुंदर लगे देखने में। मतलब अच्छी वो है, और वैसे चीज़ों से बनाया है हमने, कोई भी वैसी चीज़ नहीं है, घर में ऐसे ही फालतू में पड़ी रहती है बहुत सी चीज़ें। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आप लोग भी बताना अपनी राय, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। और आप लोग भी बनाना मेरे साथ।
शेयर जरूर करना। ये देखिए, हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।